नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज सी ए फाइनल नवंबर 2020 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। सबसे पहले मैं उन सभी को काफ़ी सारी बधाई देना चाहूँगा जो सी ए बन चुके हैं या सी ए का एग्जाम जिन्होंने क्लियर कर लिया है या जिनकी रैंक आई है। साथ में अगर किसी का रिजल्ट नेगेटिव भी रहा है तो ऐसे स्टूडेंट को भी, ऐसे लोगों को भी निराश होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको उस अकॉर्डिंग गाइड कर दूंगा। इसके अलावा मैं आपके लिए जो रिवीजन वीडियोस वगैरह हैं अगले अटेम्प्ट के लिए वो सारे मैं आपके लिए रेडी कर रहा हूँ और सारे के सारे अपलोड कर दूंगा, जिसमें डीटी और एससीएमपी के तो मैंने ऑलरेडी अपलोड भी कर दिए हैं। इसके अलावा भी जल्द एफआर और एसएफएम के भी सारे वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगे। इसके अलावा आपको मटेरियल भी, जो भी मेरे क्वेश्चन बैंक है वो भी रेडी हो चुके हैं। लगभग मैं जल्द जल्द से जल्द वो आपके यहाँ शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन बैंक भी आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा एक बात और बोलना चाहता हूँ, ये हमारा पहला बैच था, मेरा और अजय का ये पहला बैच था, और पहले बैच में आप सबने इतना ट्रस्ट दिखाया, इतना भरोसा दिखाया कि आपने टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, मैंने कभी आपको ये नहीं बोला था कि आप मेरा चैनल ज्वाइन करो या मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करो। कभी मैंने आपको ये नहीं बोला लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऐसा कभी मैंने नहीं बोला। लेकिन आपने उसको इतना ट्रस्ट दिखा के दोनों में 40+ थाउजेंड, 40,000+, 40,000+ सब्सक्राइबर आपने कर दिए, तो उसके लिए भी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और ट्रस्ट दिखाने के, हमारी जो क्लासेस है, क्लासेस में ट्रस्ट दिखाने के लिए, इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज पे ट्रस्ट दिखाने के लिए भी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो हमारे स्टूडेंट का भी पहला रिजल्ट था ये, क्योंकि हमारा पहला बैच था। तो हमारे स्टूडेंट में जिनकी रैंक आई है, तो टोटल अभी तक जितना स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं उसके अकॉर्डिंग अभी तक टोटल 4 रैंक आ चुकी हैं। 4 रैंक में सबसे पहले आई है ऋषिधर की रैंक, AIR 28 न्यू कोर्स में रैंक है इनकी। और जो मेरे सब्जेक्ट में जो मार्क्स थे इनके, SCMP में 72 मार्क्स थे और DT में 80 मार्क्स थे। फिर भाविन की रैंक है AIR 29 न्यू कोर्स में इनकी रैंक है। FR में अजय के सब्जेक्ट में 78 मार्क्स थे इनके, SFM में 75 मार्क्स आए और DT में 69 मार्क्स आए। फिर नैतिक इनकी AIR 38 है न्यू कोर्स में, इनके FR में 71 और DT में 70 मार्क्स थे। और यश इनकी AIR 48 आई है, FR में 72 और DT में 77 इनके मार्क्स हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो क्लियर करें CA, जो CA बन गए और उनके 70+ मार्क्स हमारे सब्जेक्ट में आए हैं, DT, FR, SFM और SCMP, जिनके 70+ मार्क्स आए हैं। तो उनमें काफ़ी सारे स्टूडेंट का मैंने यहाँ नाम लिख रखा है, जैसे चिरायु हैं जिनके 75 मार्क्स DT में आए हैं न्यू कोर्स में, अक्षांश है 74 मार्क्स DT में आए हैं ओल्ड कोर्स में, और 74 मार्क्स DT में ओल्ड कोर्स में अभी तक हाईएस्ट है। जितने भी मैंने मार्कशीट देखी उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स 74 है। जो AIR 1, 2, 3 उनके भी नहीं है 74 मार्क्स। और अक्षांश जो थे इनके 3 अटैम्प्ट लग चुके थे DT के कारण, DT में 2 बार तो इनके 25 की रेंज में नंबर थे और 1 बार 40 नंबर थे। तो इस बार इनके 74 मार्क्स आए, जो अभी तक DT ओल्ड कोर्स में हाईएस्ट लग रहे हैं मुझे। इसके बाद तन्वी के मार्क्स हैं 70 मार्क्स DT न्यू कोर्स में, क्रिश्चन के 70 मार्क्स DT में न्यू कोर्स में 77 मार्क्स, इंटरनेशनल टैक्स न्यू कोर्स में है। जो इसके अलावा फिर भव्या के मार्क्स हैं 78 मार्क्स FR के न्यू कोर्स में, राहुल के मार्क्स हैं 71 मार्क्स FR न्यू कोर्स में, वासु के मार्क्स हैं 76 मार्क्स DT के न्यू कोर्स में, निकिता के 70 मार्क्स इंटरनेशनल टैक्स में, प्रेरणा के 78 मार्क्स SCMP में, और आकाश के 75 मार्क्स SFM न्यू कोर्स में, और हार्दिक के 78 मार्क्स DT न्यू कोर्स में। इसके अलावा अनिशा के 90 मार्क्स है SFM ओल्ड कोर्स में, SFM के ओल्ड कोर्स में। तो अभी तक जितने स्टूडेंट के मैसेज आए उसके बेस पे मैंने मार्क्स लिखे हैं। 60+ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के हैं, लेकिन 70+ जिनके जिनके आए मैंने उनका नाम लिखा, और काफ़ी सारे स्टूडेंट के जिनके मैसेज अभी तक देखे मैंने उन सबके मैंने यहाँ नाम लिखे हैं। इसके अलावा भी मैं जितने अभी तक मैसेज हैं उसके बेस पे जो हमारे स्टूडेंट के मार्क्स हैं उसमें DT में 80 मार्क्स हैं हाईएस्ट, 80 मार्क्स अभी तक ऋषिधर के, 74 मार्क्स ओल्ड कोर्स में अक्षांश के, SCMP में 78 मार्क्स अभी तक हमारे स्टूडेंट में प्रेरणा के, FR में 78 मार्क्स भाविन के हैं, SFM में 75 मार्क्स हैं, SFM में 75 मार्क्स आकाश के भी हैं और भाविन के भी हैं, और 90 मार्क्स अनिशा के हैं, और इंटरनेशनल टेक्स में 77 मार्क्स इंटरनेशनल टेक्स में जो 77 मार्क्स हैं ये हैं कृष्ण के। तो ये हमारी सब्जेक्ट में जो अभी तक हमारे स्टूडेंट के मार्क्स थे वो मैंने आपको बताए। तो मैं आपको सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए, हमारी क्लास पे ट्रस्ट दिखाने के लिए, टेस्ट सीरीज पे ट्रस्ट दिखाने के लिए, जो मैंने नोट्स आपको शेयर करे फ्री में उन पे ट्रस्ट दिखाने के लिए, इसके अलावा जो मैंने रिवीजन वीडियो शेयर करे आपसे SCMP DT वगैरह के उन पे ट्रस्ट दिखाने के लिए, मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा एक बार। और मैं आपको आगे भी गाइड करूँगा कि आप अपना कंटेंट ठीक कर लो, कंटेंट अगर आपने ठीक कर लिया तो आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। मैंने आपको बोला था DT में अगर आपने रिवीजन वीडियोज़ कवर कर लिए और अगर नोट्स पढ़ लिए, रिवीजन वीडियोस कवर कर लिए, और वो क्वेश्चन बैंक जो मैंने क्वेश्चन बैंक फ्री में शेयर किया था, मैंने किसी से चार्ज नहीं किया कि मैं यहाँ क्वेश्चन बैंक का प्रमोशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक अभी भी फ्री है, आगे भी हमेशा फ्री रहेगा वो क्वेश्चन बैंक, तो उसको मैं आगे May 21 के लिए अब शेयर करने वाला हूँ। तो खाली वो क्वेश्चन बैंक कर लो, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी और गारंटी है DT में आप आराम से एडमिशन ला सकते हो। इस बार DT का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, DT में काफ़ी अच्छे हमारे जो स्टूडेंट हैं सबके, उनके भी अच्छे मार्क्स आए हैं, और जिन्हें मेरा क्वेश्चन बैंक भी यूज़ किया था, खाली क्वेश्चन बैंक यूज़ किया था उनके भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, जिन्होंने खाली क्वेश्चन बैंक यूज़ किया था उनके भी काफ़ी अच्छे अच्छे DT में मार्क्स आए हैं। तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने इतना ट्रस्ट दिखाया, सपोर्ट किया, इस कारण फर्स्ट बैच में इतना अच्छा रिजल्ट पॉसिबल हो पाया। और आगे भी आप ऐसे ट्रस्ट दिखाओगे, आगे भी मैं यही बोलता हूँ कि आगे भी हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा, ऐसे ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हमारा फोकस होता है वो कंटेंट पे होता है, कंटेंट ओनली इंस्टीट्यूट का, कंटेंट ओनली इंस्टीट्यूट का फोकस होता है, तो ये हमेशा चलता रहेगा। साथ में मैं आपके को बोलना चाहता हूँ कि 4 या 5 सब्जेक्ट के मैं रिवीजन वीडियोज़ जल्द से जल्द आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें मैंने DT के शेयर कर दिए लगभग,
SCMP के शेयर कर दिए। इसके अलावा SFM के कुछ रिवीजन वीडियोस आ चुके हैं, बाकी मैं जल्द से जल्द शेयर कर दूंगा May 21 नवंबर 21 के लिए। इसके अलावा भी FR के भी सारे वीडियोस आ जाएंगे रिवीजन वीडियोस जल्द से जल्द, और इंटरनेशनल टैक्स के भी आ जाएंगे। और ऑडिट में मैंने बोलता हूँ, ऑडिट में भी मैं आपको पूरी ऑडिट के सारे चैप्टर में हाईलाइट करवा दूंगा कीवर्ड्स, और उन सारे वीडियोस में आपको आपके यहाँ शेयर कर दूंगा, जो जो हमारी सब्जेक्ट है उसके सारे मैं आपके यहाँ शेयर कर दूंगा। साथ में अगर आपको May 21 नवंबर 21 के लिए क्लास या टेस्ट भी ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे, हमारी जो भी क्लास है काफ़ी रीजनेबल, मार्केट से काफ़ी रीजनेबल प्राइस है। काफ़ी सारे डेमो भी डाल रखे हैं और रिवीजन वीडियोस वगैरह भी डाल रखे हैं, आप वो देख सकते हो, उस अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। और वो पूरी क्लास एज पर इंस्टीट्यूट मटेरियल चलती है, पूरा का पूरा उसमें इंस्टीट्यूट का मटेरियल कवरेज करवाया जाता है, सारे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, क्वेश्चन क्लास में करवाए जाते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आपके लिए आज के लिए इतना ही है, एक बार फिर से थैंक यू सो मच।